Hello students, a very good morning to you all. Students, today we will do the revision of three chapters. First chapter name is My Body, second chapter name is My Family, and third chapter name is Food. Okay? So now let's start. Students, our body is made up of many different parts. हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है. लाइक आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, हैंड, स्टमक, लेग, नी एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव फाइव फिंगर्स इन आर वन हैंड एंड ईच फिंगर हैज अ पर्टिक्यूलर नेम. द स्मॉलेस्ट फिंगर इज कॉल्ड द पिंकी फिंगर. बच्चों, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे हम पिंकी फिंगर कहते हैं. एंड द रिंग फिंगर इज बिटवीन द टॉलेस्ट फिंगर एंड द स्मॉलेस्ट फिंगर. और जो रिंग फिंगर होती है वो टॉलेस्ट फिंगर यानी कि सबसे बड़ी फिंगर और सबसे छोटी फिंगर के बीच में होती है. ओके, द फिंगर बिटवीन द थंब एंड द टॉलेस्ट फिंगर इज कॉल्ड द इंडेक्स फिंगर. और बच्चों, थंब और टॉलेस्ट फिंगर के बीच में जो फिंगर होती है उसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं. आइए अब इसे सीरियल से पढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट है बच्चों थंब. थंब के जस्ट बगल में जो फिंगर होती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर. नेक्स्ट है मिडल फिंगर. बच्चों, इसे हम टॉलेस्ट फिंगर भी कहते हैं. टॉलेस्ट फिंगर के जस्ट बगल की फिंगर को हम रिंग फिंगर कहते हैं और स्मॉलेस्ट फिंगर यानी कि सबसे छोटी फिंगर को हम पिंकी फिंगर कहते हैं. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स. स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन्स टेल्स अस अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड. हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं. वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. आर आईज हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. बच्चों, हमारी आँखें हमें चारों तरफ की चीज़ों को देखने में मदद करती हैं. आर ईयर्स हेल्प अस टू हीयर द डिफरेंट साउंड. आर नोज हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स. आर टंग हेल्प अस टू टेस्ट. एंड आर स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों फैमिली यानी कि मेरा परिवार. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड फैमिली. बच्चों, लोगों का वह समूह जो एक दूसरे से संबंधित हो उसे हम फैमिली यानी कि परिवार कहते हैं. बच्चों, हमने इस चैप्टर में टू टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ा था, दैट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. सबसे पहले हम यह जानेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं. अ फैमिली दैट हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. बच्चों, वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली. अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली वेयर द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल, आंट एंड कजन्स लिव टुगेदर. बच्चों, जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, सिबलिंग यानी कि सगे भाई बहन, कजन्स यानी कि चचेरे भाई बहन सब मिलकर एक साथ रहते हैं. स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन ऑफ आर अंकल एंड आंट आर अवर कजन्स. बच्चों, हमारे अंकल और आंट के बच्चे हमारे कजन्स यानी कि चचेरे भाई बहन हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप. बच्चों, रिलेशनशिप का मींस होता है संबंध. ओके, वी कॉल आर फादर्स मदर दादी. बच्चों, हम अपने पिता की माता को दादी कहते हैं. वी कॉल आर फादर्स फादर दादा. हम अपने पिता के पिता को दादा कहते हैं.
वी कॉल आर फादर्स ब्रदर चाचा, हम अपने पिता के भाई को चाचा या अंकल कहते हैं। वी कॉल आर फादर सिस्टर बुआ, हम अपने पिता की बहन को बुआ कहते हैं। ओके बच्चों, वी कॉल आर मदर्स फादर नाना, हम अपनी माता के पिता को नाना कहते हैं। वी कॉल आर मदर्स मदर नानी, हम अपनी माता की माता को नानी कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर इज फूड। ओके, फूड का मीन्स होता है बच्चों भोजन। समथिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट इज कॉल्ड फूड। जो भी चीज़ें लोग या तो जानवर खाते हैं उसे हम फूड यानी कि भोजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। बच्चों, भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। सो नाउ लेट्स रिवाइज द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, वॉट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के विभिन्न स्रोत क्या हैं। इट्स आंसर इज द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, भोजन के विभिन्न स्रोत हैं पौधे और जानवर। नेक्स्ट है नेम एनी टू फूड आइटम्स, इसमें कोई भी आपको दो फूड आइटम्स फिल करने हैं। फर्स्ट है आर ईटन रॉ, जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। रॉ का मीन्स होता है बच्चों कच्चा। ओके, इट्स आंसर इज रेडिश एंड कैरेट। रेडिश का मीन्स होता है बच्चों मूली और कैरेट का मीन्स होता है गाजर। इन दोनों को ही हम कच्चा खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर जंक फूड, इसमें बच्चों आपको कोई भी टू जंक फूड का नेम राइट करना है। इट्स आंसर इज चिप्स एंड बर्गर। नेक्स्ट है बच्चों वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, इनमें आपको कोई भी ऐसे टू फूड आइटम्स के नेम राइट करने हैं जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। ओके, सो इट्स आंसर इज मिल्क एंड एग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेरियंस कैन नॉट ईट, बच्चों इनमें आपको कोई भी ऐसे टू फूड आइटम्स के नेम राइट करने हैं जिन्हें वेजिटेरियंस नहीं खा सकते। सो इट्स आंसर इज मीट एंड फिश। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। यू हैव टू डू द ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन नंबर बी इन योर होमवर्क कॉपी। बच्चों आपको ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन नंबर बी नेम टू फूड आइटम्स दैट, ये दोनों अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है। इसके अलावा मैंने आपको 5 जंबल वर्ड्स दिए हैं, इसे भी आपको सॉल्व करके अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू।